YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी खबर आ गई है जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही है, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। और ये चर्चा क्यों हो रही है, जब आप इसको जानेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ये चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल बात करें तो आपको पता होगा कि एक भड़काऊ भाषण के मामले में और जो आजम खान है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, विधायक रह चुके हैं रामपुर से, तो वो भड़काऊ भाषण के मामले में आरोप तय हो गया उन पर और उनकी जो कुर्सी है विधानसभा की वो चली गई। और वहां पर जब चुनाव हुआ उपचुनाव का, तो आजम खान हार गए। लेकिन इसमें एक नया जो है, एक नई खबर आ गई इस मामले को लेकर। और ये मामला ये है कि जो आजम खान का मुकदमा था उसका सुनवाई कर रहे रामपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट के जज साहब का, जिनका नाम निशांत मान है, उनका प्रमोशन हो गया है और मजिस्ट्रेट ट्रायल से उन्हें अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। और निशांत मान पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद चर्चा में आए थे। निशांत मान को प्रमोशन देते हुए उनका तबादला मऊ जिले में कर दिया गया है। अब वे मऊ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के तौर पर प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। अब जब बताइए कि आजम खान के मामले में जो सुनवाई किए थे जज, उनका प्रमोशन हो गया और इस मामले को लेकर लोगों का ये कहना है कि आजम खान का विधायकी का कुर्सी गंवा गए, उसका इनाम जो है जज साहब को मिला है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हो गई है कि उनको मऊ में ट्रांसफर किया गया है। मऊ किसका गढ़ है? मुख्तार अंसारी का गढ़ है। और मुख्तार अंसारी के बेटे जो सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो अब्बास अंसारी हैं, वो मऊ से विधायक हैं और मऊ में भी उन्होंने कई सारे भड़काऊ भाषण दिए हैं। तो लोगों का भी ये मानना है कि क्या आजम खान की कुर्सी की तरह जो जज साहब उनको ट्रांसफर किया गया है, क्या वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है और अब्बास अंसारी की कुर्सी चली जाएगी। ऐसे तमाम लोग सोशल मीडिया पर बातें करने लगे हैं और आपको पता होगा कि पक्ष विपक्ष उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। इसके अलावा जब अगर किसी को सजा सुनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में नेता रहा है, अगर उस नेता का ट्रांसफर एक ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर खुद ऐसे नेता भरे पड़े हैं जो अपने विवादित बयान को लेकर अपराधियों जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनको धमकी देते हैं, तो अब लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि क्या अब जो है अब्बास अंसारी पर भी जज साहब टूट पड़ेंगे। ऐसे तमाम तरीके के लोग जो है बातें कहने नजर आ रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर